तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी, जैसे प्लस पोस्ट की, जो कि 2020-21 में आपकी भर्ती आई हुई थी। और इसमें जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो है संशोधित जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। इसमें काफ़ी अनियमितताएं मिली थी और इसको लेकर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जनरल आपका PCM ग्रुप में है, जो कि लास्ट कट ऑफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी यहाँ पर गई हुई है, जो यहाँ पर 53 पॉइंट समथिंग यहाँ पर गया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि SC कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर देखिए, SC कैटेगरी में अगर लास्ट देखा जाए तो ये जो आपकी गई हुई है, ये डीएलएड कैंडिडेट है, 51.64 यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ST का मैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा ST वाले अभ्यर्थी का, जो कि 52.56 यहाँ पर है। उसके बाद OBC अगर बात करें, यहाँ पर OBC यहाँ पर है जनरल में, और इसमें देख सकते हैं मेल में है ये, और ये गया 53 पॉइंट समथिंग गया है। उसके बाद 49 गया है लास्ट आपका यहाँ पर OBC PH वालों का। उसके बाद EWS का भी यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज कर रखा है इन्होंने, और इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं लास्ट जो EBS की 53.4 गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ZBC साइंस का आप लोग देख सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं वो यहाँ पर लास्ट इतनी गई हुई है आपकी यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 50.96 गया है। उसके बाद XA आर्मी का यहाँ पर गया हुआ है आपका 37 करके गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद SC कैटेगरी में अगर देखा जाए तो इसमें आप लोग देख सकते हैं लास्ट कट ऑफ यहाँ पर गया हुआ है इनका 50 गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर BEd कैंडिडेट के नाम आ जाते हैं, ये BEd कैंडिडेट के नाम हैं, कौन सी ईयर तक का यहाँ पर सिलेक्शन होगा अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 2006-6-6-2-7 वाले हैं, ठीक है। चार कैंडिडेट 2006 वाले हैं, दो कैंडिडेट जो यहाँ पर 7 वाले हैं, और इनका यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो रखा है इनका यहाँ पर देखिए, तो इस तरह का यहाँ पर गुणांक का बना रखा है इनका, और यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो चुका है, जो कि अर्चना है यहाँ पर, ठीक है, अमरदीप करके है, चंद्रा है, महेश है, हरीश करके इनका नाम है। उसके बाद SC में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 52 गया हुआ है, और उसके बाद से यहाँ पर OBC का अगर लास्ट देखा जाए कट ऑफ यहाँ 44.8 गया हुआ है DLED कैंडिडेट का। उसके बाद यहाँ पर EWS के अगर बात करें तो यहाँ पर दो कैंडिडेट BEd के भी रखे गए हैं EWS में, और इसमें आप लोग देखते हैं अगर EWS DLED का अगर जगह 40, और जो BEd कैंडिडेट हैं 2007 वालों का यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है इसमें, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर साइंस अदर वाले हैं 20% वाला, तो इसमें अगर जनरल की देखा जाए तो जनरल में लास्ट कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है 53 पॉइंट समथिंग गई हुई है, जो कि DLED कैंडिडेट का है। अगर SC में देखा जाए तो लास्ट जो है SC वो फीमेल का है, तो टोटल जनरल में अगर जाए 51 गया है, अगर फीमेल में देखा जाए तो 46 गया हुआ है। उसके बाद EWS में देखा जाए तो इसमें अब 49 पॉइंट समथिंग गया हुआ है, और OBC में अगर देखा जाए तो इसमें जो है 50 गया हुआ है लास्ट है। ऐसे आपका हिंदी आर्ट में है, ठीक है, हिंदी आर्ट वाले के लिए हिंदी का है, इसमें अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो 50 तक गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 46 इसका, यहाँ पर 40 इसका है, EWS का है, OBC का है, उसका SC का है, SC का आप लोग देख सकते हैं 50 गया हुआ है। और उसके बाद से इंग्लिश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में जो कैटेगरी है आपका यहाँ पर जनरल का, तो जनरल का 53 गया है, 51 PH वालों का गया है, EWS और उसका SC OBC का देख सकते हैं, ये EWS का है, इसका ये SC का, ये OBC का है, तो ये लास्ट 51 गया है, 53 OBC का गया हुआ है। उसके बाद अदर यहाँ पर देखा जाए आर्ट वालों का, तो यहाँ पर लास्ट अगर देखा जाए तो 45 गया हुआ है DLED कैंडिडेट के। उसी के बाद X और PH के बारे में बात करें तो X और PH वाले 50 और 50 के समथिंग गया है। EWS के लास्ट कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 53.7 यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट अगर बात करें तो यहाँ पर इतना गया हुआ है, 52 पॉइंट समथिंग गया है। उसके बाद SC अगर बात करें, SC में देख सकते हैं, SC में आपका 53 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, ST का, ठीक है, SC में जो है यहाँ पर है, SC का लास्ट यहाँ पर है 53.28 यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 तारीख को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है अभ्यर्थियों का, जिनका सिलेक्शन हो रखा है, BEd मेरिट का 6-7 लोगों का हो रखा, ज़्यादा नहीं हो रखा इसमें, और 2007 तक का नंबर यहाँ पर आया हुआ है, वो भी कौन से सब्जेक्ट से है इनका BEd अभ्यर्थी का, वो भी आपके साइंस ZBC वालों का है, ठीक है। अधिकतर साइंस ZBC PCM वालों का आ रखा है, आर्ट वालों का जो हिंदी इंग्लिश वाले SC असिस्ट वाले हैं उनका तो नाम ही मुश्किल से आ रहा है, कहीं कहीं पर नहीं, बिल्कुल नहीं आ ही नहीं रहा है, ठीक है।